गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना का फ्लाई पास्ट, अलग अलग तरह के विमानों और उनके करतबों को देख रोमांचित हुए लोग। जोशीमठ से बड़ी खबर, किराया लेने के बाद भी प्रभावित परिवार लौटे अपने घरों को। प्रभावित परिवारों ने तहसील पर किराया न देने का लगाया आरोप। देहरादून यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का एक बार फिर कार्यकाल 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया। कमेटी के अनुरोध पर बढ़ाया गया कार्यकाल। आगरा के डॉक्टर आरएस पारिक को मिलेगा पद्मश्री। होम्योपैथिक डॉक्टर हैं आरएस पारिक। अयोध्या में प्रशासन के इंतजाम से राम भक्त खुश। सुलभ दर्शन पाकर लौट रहे राम भक्त। राम की भक्ति में सर्दी का असर नहीं। रामलला को दो प्रकार के लग रहे हैं भोग, पूर्णमासी और एकादशी को खास भोग। 7 दिन में ग्रहों के मुताबिक 7 रंग के वस्त्र। खास फूलों से रामलला का हो रहा है श्रृंगार। ज्ञानवापी केस में एएसआई की रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट में मंदिर के 34 सबूत मिले। महामुक्ति मंडप के अवशेष मिले। 32 ऐसी जगह जो हिंदू मंदिर की है। उत्तराखंड में 51 शहरों में जियो एयर फाइबर सर्विस शुरू। कई पर्यटन स्थल भी एयर फाइबर से जुड़े। कई धार्मिक स्थलों में भी जियो एयर फाइबर। वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय की याद में स्मृति सम्मान समारोह में 11 पुस्तकों का हुआ लोकार्पण। बीजेपी का 2024 लोकसभा चुनाव के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी मोदी को चुनते हैं। शुभमन गिल को लगी किसकी नजर, आखिर क्यों नहीं भा रहा नंबर 3। बिग बॉस 17 में मुनव्वर के सपोर्ट में उतरे रैपर बादशाह, खुलकर कर रहे वोट की अपील। पद्मश्री पुरस्कारों का हुआ ऐलान। मिथुन चक्रवर्ती से लेकर चिरंजीवी और वैजयंती माला तक को मिलेगा सम्मान। अमेरिका ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई। कहा, भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए वैश्विक नेतृत्व का बन रहा आधार। मदद का इंतजार कर रहे लोगों को गोलियों से भूना। इजराइल की सेना पर गाजा मंत्रालय का बड़ा आरोप। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें यूथ न्यूज ऑनलाइन के साथ।